पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मौत की परछाई और शक्तिशाली हुई। मैंने तीनों गुरुओं को देखा लेकिन तीनों के नीचे परछाई गायब थी। मैंने उन पर हमला किया तो मायावी बहरूपिया निकला। हम जादुई आईने की दुनिया में पहुंचे और उसे मारने की खातिर पहले आईने में घुसे जहाँ चार शेर पिंजरे में बंद थे और हमने उनको आजाद किया। एक शेर ने हम पे हमला नहीं किया तो हमें लगा कि वही शेर गुरु होंगे, लेकिन फिर पता चला कि वो मायावी बहरूपिया था जिसने माया और विशु को सम्मोहित कर लिया था। और दूसरी तरफ पापा गुरुकाल के जाल में फंस गए और उन्होंने दादी पे हमला किया। अब देखिए आगे। देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। मायावी बहरूपी ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया। मैं जानता हूँ तुम उसके वश में हो लेकिन तुम उससे बाहर भी निकल सकते हो। कोशिश करो, वो तुम्हारा दुश्मन है, मैं नहीं। हाँ, मायावी बहरूपी का माया जाल है। अब इन दोनों को मेरी आवाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तुम आए तो थे शेर गुरु को बचाने, लेकिन अब ये दोनों भी मेरे गुलाम बन चुके हैं और बहुत जल्द तुम्हारा भी यही हश्र होगा। आदित्य को गुरुकाल ने मौत की काली परछाई की शक्ति से अपने वश में कर लिया। हवन करते वक्त न मैं हिंसा कर सकता हूं ना गुस्सा कर सकता। मैं अपने इस सूक्ष्म शरीर से आदित्य को नहीं रोक पाऊंगा। राजमाता, आपको ही आदित्य को रोकना होगा। यह हवन अगर भंग हुआ तो ना रुक्मणी बचेगी और ना ही सूरज। बहुत हो गया। इसे लेकर आओ मेरे पास। ये तुम लोग मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देखो होश में आओ, ऐसा मत करो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे, छोड़ दो। डरो मत, बहुत जल्द मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास दर्द लोग भेज दूंगा। फिर तुम और तुम्हारी माँ दोनों तड़पेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे गुरु काल का एक बहुत जरूरी काम करना है। तुम्हारी ये मायावी चाबी उन्हें देनी है। छोड़ो। हाँ नहीं बच्चे, ये चाबी मुझे दे दो। देखो तुम जितना ज्यादा लड़ोगे तुम्हें उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। अबे तुम अपने सूरजपुर को ऋषि के श्राप से बचाने तीनों गुरुओं को छुड़ाने गया था। अब ना यज्ञ संपन्न होगा और ना तुम बचोगे। कुछ ही पल में मायावी बहरूपिया वो तुम्हारी मायावी चाबी मुझे लाकर देगा और सूर्यास्त के साथ
मौत की परछाई पूरे सूरजपुर को नष्ट कर देगी। जय शैतान। मायावी बहुरूपी के गले में जो मणि है, इस लोक में वहीं से उसको शक्ति मिलती है। वो मणि उससे छीन लो, मायावी बहुरूपिया शक्तिहीन हो जाएगा। एक बार मार दिया लेकिन दूसरी बार नहीं मार पाओगे। अदिति बेटा नहीं, अदिति नहीं बच्चा, नहीं देखो अदिति, अदिति नहीं, अदिति नहीं। तीसरे आईने में तीन लोग जा सकते हैं और दूसरे आईने में सिर्फ दो लोग जा सकते हैं और आखिरी आईने में सिर्फ कोई एक ही जा सकता है। माया, इस आईने में सिर्फ दो ही लोग आ सकते हैं, इसलिए तू शेर गुरु के साथ जा वापस हवेली में। तब तक मैं और विशु जाके बास गुरु को छुड़ाते हैं, ठीक है? ठीक है। शेर गुरु जी, चलिए। मैं अपने सूक्ष्म शरीर से किसी से नहीं लड़ सकता। जब तक यज्ञ संपन्न नहीं हो जाता, ना मैं हिंसा कर सकता, ना गुस्सा कर सकता। अब जो भी करे शेर गुरु ही करे।
गुरु जी प्लीज कुछ कीजिए, आंटी की दर्द भरी चीखें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज उनका दर्द कम कर दीजिए। जब तक अभी और विश्व मायावी बहरूपिया के माया जाल से शेर गुरु और बाज गुरु को नहीं बचा लेते, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तीनों गुरुओं की आहुति से सूरजपुर और रुक्मणी को बचाया जा सकता है। ये डुगू भी पता नहीं कहां चला गया। आदि गजब हो गया, डुगू भाग गया। मैंने तो खिड़की दरवाजे बंद किए थे, लेकिन फिर वो अंदर से चीखने लगा धरती मारे, और सैनिक उसे देखने के लिए आया तो सैनिक के सर पर उसे मार के और भाग गया। पता नहीं डुगू की तो वैसे ही आदर्श जा चुकी है, और बाहर चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे, पता नहीं वो कहां किस हाल में होगा। किसी से बचेंगे। नहीं हो रहा, अब क्या करेंगे? एक आइडिया। वो शकुर भी ना, न जाने छुट्टियों से कभी वापस आ जाएगा। उसके बदले गुरुकाल मुझसे काम करवा रहे, ये कर वो कर, फल तोड़ फूल ले आ, ये कर। मन तो करता है कि मैं गुरुकाल का नाम। हमारे पेट में, और ऊपर से वो आंटी ने सुबह से कुछ खाने को भी नहीं दिया हमको। अरे वाह, ये व्यवस्था। वैसे भी गोरी तुम किसी रसीले फल से कम नहीं लग रही हो, लो लो खाओ। अरे खाओ, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, समझी? अकल के अंधे, तू जानता है मैं कौन हूँ? हाँ कौन हो? अरे हमारी हीरोइन। और कौन हो? और हम है भोजपुरिया सुपरस्टार कासम जी। है का समझती हो बिहार को? अरे 2 मिनट में तुम्हारा पैकअप करवा देंगे। हाँ गोरी, देखो तुम हमको भा गई हो, ऐसा लग रहा है मतलब हमारी हीरोइन तुम्हें ही हो। का कहती हो? तुम्हारी हमारी जोड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट रहेगी। है आओ गले लग जाओ, आओ ना, आ जाओ, आओ ना। अरे वाह, का हेयर स्टाइल है भाई। अरे वाह, कौन सा शैम्पू लगाती हो? हमको नाम बताओ ना, दोनों मिलकर उसका विज्ञापन करेंगे। क्या कहती हो? देखो ना हमारे बाल भी कैसे हो गए, बोलो। नागिन, कहाँ हो तुम? जल्दी गुफा में आओ। जी गुरुकाल, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी।
बच्ची को मार रहा है। आना मुझे मार के दिखा, मुझे मार के आ, मार मार मार, आना। लो लो लो, कितना स्लो है रे तू। लो लो मार 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 मार, आ चल 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 चल, आना आना, मार मुझे, मार मारना। ओए, हेलो, कैसा है? पीछे पीछे पीछे, मैं पीछे हूँ, आना। बहरूपिया हूं मैं, भले ही तुमने मैंने दो रूपों को मार दिया हो, लेकिन मेरा एक रूप अभी भी जीता है। मेरे हर रूप के साथ मेरा लोक भी तबाह हो जाएगा। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन तुम सब भी मरोगे, सब मरोगे, क्योंकि माया भी बहरूपिया।